करनाल में बीजेपी का चुनाव प्रचार जारी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया। करनाल की वाल्मीकि कॉलोनी में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जनता से वोट की अपील की और उन्हें कमल का फूल खिलाने के लिए कहा। सीएम सैनी ने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार ने प्रदेश और देश के लिए काम किया है। हमारी सरकार ने किसान, गरीब सबके लिए काम किया। किसानों की फसल MSP पर हमने ली। किसानों के विषय पर मोदी सरकार ने काम किए और आगे भी काम चलते रहेंगे। मोदी जी ने 10 सालों में भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम ऊंचा किया है। मोदी जी ने जो पिछले 10 वर्षों में इस देश में एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आए हैं, जिन्होंने ईमानदारी से काम किया है, जो गरीब तक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का काम ये इन 10 वर्षों में किया है। कांग्रेस ने या घमंडिया गठबंधन ने लोगों को बरगलाने का और झूठ बोल करके उनके बीच में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम उन्होंने किया है। जिस गति से नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में देश और प्रदेश में एक गति से काम किया है, कांग्रेस घमंडिया गठबंधन उस दिशा में काम करने में नाकाम रही है और उस कारण से बहुत कम गति से देश का विकास हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ी गति से देश आज बदला है। आज चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, चाहे आज एम्स बनाने की बात ले लीजिए, चाहे आज मेडिकल कॉलेज बनाने की बात ले लीजिए, चाहे नए हॉस्पिटल CHC PHC सेंटर बनाने की बात ले लीजिए, चाहे उनमें जो गैस के प्लांट लगाने की बात ले लीजिए और चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात ले लीजिए।